देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है ना, कोई भी वीक एसिड या कोई भी वीक बेस ले लो इन, है ना, और उसमें आप कोई स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस डाल दो तो उसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है, ये है कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिड और बेस, तो चलो एक स्पेसिफिक टर्म हो गया, मैं एक आपको जनरल बात बता रहा हूँ। आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो 100% नहीं टूटता, थोड़ा बहुत टूटता है, और आप एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। अगर आपने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया और इन दोनों में कोई आयन कॉमन हुआ, इन दोनों में कोई आयन अगर कॉमन हुआ, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल देखते हैं, इसी इसी पे एग्जाम्पल है ये। आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ फिनॉल इज दिस मच, ये फिनॉल है, फिनॉल ये होता है, पीएच का मतलब ये होता है, पीएच का मतलब फिनाइल, C6H5, C6H5OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन बना के OH, ठीक है ना। तो ये फिनॉल है, फिनॉल कैसे डिसोसिएट करेगा, फिनोक्साइड आयन और एच प्लस में। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.05 मोलर, तो 0.05 था, एक्स टूट गया, मान लो एक्स टूट गया तो एक्स बना, ये एक्स बना। ओके, तो पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डिग्री ऑफ, अच्छा व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन, मतलब इसकी एक्स पूछ रहा है, फिनोलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि आप 0.05 माइनस एक्स को 0.05 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ये चेक करोगे सबसे पहले आप। तो उसके लिए आपको के ए बाय के बी, यहाँ तो के बी है, के ही है, सॉरी के ए बाय सी चेक करना पड़ेगा, के ए कितना है 10^-10, सी कितना 0.05, तो ये तो है ही कम, 10^-4 से तो बहुत कम है ये, तो 25×10^-4 से अगर के ए बाय सी कम आ जाए तो आप इसकी डिसोसिएशन को निगलेक्ट कर सकते हो, तो इसको 0.05 लिख सकते हैं, समझ में आई बात। तो एक्स निकालना है यहाँ पे हमको, तो आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट इज दिस एक्स इन टू एक्स डिवाइड बाई 0.05 - x, आ गया ना, क्योंकि डिसोसिएशन फिनॉल की बहुत कम है, इसलिए 0.05 - x को 0.05 ही लिख लो, ठीक है ना। तो मतलब ये आ गया, फिर यहां से एक्स सॉल्व कर लिया, एक्स इतना आ गया, तो फिनोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इतनी आ गई, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, चलो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया सॉल्व। फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, अल्फा पूछ रहा है इस बार, अल्फा जब सॉल्यूशन में 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट भी आ गया, सोडियम फिनोलेट मतलब PHO-Na+, सोडियम फिनोलेट आ गया, ये भी डाल दिया, अब इसमें कॉमन आयन हो गया, ये और ये दोनों आयन कॉमन हो गए, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। अब सोडियम फिनोलेट तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो PHONa ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% टूटेगा, PHO- और Na+, ये तो 100% टूट जाएगा ना। तो अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी सोल्यूशन में, तो इस पे क्या असर पड़ेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, सिस्टम क्या बोलेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करो, तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैक शिफ्ट हो जाएगा, बैक शिफ्ट हो जाएगा तो फिर इसकी डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगी, तो इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, इसमें ये वाला आयन कॉमन हो गया, ठीक है। तो देखते हैं आप, देखो ये सेम है, अब इसको C×1 - α, अच्छा ये देखो ये क्या किया मैंने, T=0 पर भी ये टूटा नहीं था, अभी ये टूटा नहीं था, लेकिन तब भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 थी, क्योंकि ये तो आपने बाहर से डाला है ना, ये तो आपने बाहर से डाला ना, ये तो अभी टूटा नहीं है, लेकिन तब भी ये तो बाहर से आ गया। अच्छा फिर ये जब टूट गया तो ये 0.05 α और आ गया, और ये 0.05 α, और लेकिन इन दोनों का सम क्या, अप्रोक्सीमेटली 0.01 ही है, क्योंकि अल्फा बहुत कम है, समझ में आ गई बात है, अल्फा बहुत कम है ना, इसलिए ये टोटल 0.01 ही रहेगा। तो डिसोसिएशन ऑफ फिनॉल इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज ऑब्जर्व इन प्रीवियस पार्ट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज फर्दर सप्रेस, भाई एक तो उसकी डिसोसिएशन वैसे ही कम है, कितनी है अल्फा, बहुत कम था उसका अल्फा, मतलब टोटल फिनोलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, बहुत कम थी, 2.236×10^-6, बहुत कम है उसका अल्फा, एक तो वैसे ही कम है, ऊपर से आपने उसमें कॉमन आयन डाल दिया तो और कम हो जाएगा। तो फिर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो फिनॉल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 ही ले लो,
और फिनोक्साइड की 0.01, मतलब ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रही है बस। तो बस के आई क्या आ जाएगा, के आई क्या है, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, इसकी वैल्यू कितनी है 0.01 एच प्लस 0.05 इंटू अल्फा और ये 0.05, तो इतना आ गया है ना। ये तो गिवन ही है कि यहाँ से अल्फा आ जाएगा, सॉल्व करके अल्फा इतना आ जाएगा। ओके,